कि भगवान की मूर्ति का दर्शन आज के दिन जरूर करना चाहिए। अगर साक्षात भगवान को पाए हुए महापुरुष का दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। कल सुबह आश्रम में और रास्ते में नीम के पत्ते और आसोपाल के तोरण लग जाए, सारी सुविधाओं के बिना भी आप सुखी रह सकते, आपका सुख स्वभाव की ये खबर है, आपके स्वतंत्र जीवन का ये संदेश है। धन भागी में जो अपने आप में विश्रांति पाते। तुमको मेरे तोड़ धूप पर दया आती है, तरस आता है, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम नाहक परेशान हो रहे हो। जैसे देहातों में आज के दिन, वर्ष के प्रथम दिन, दिवाली के दिनों में नीम के पत्ते और आसोपाल के पत्ते के तोरण बांधते, वहां से लोग गुजरे तो वर्ष वर्ष खुशहाली रहे, निरोग रहे। आसोपाल के पत्तों में और नीम के पत्तों में रोग प्रतिकारक शक्ति होगी, जो भी होगा आज शास्त्र में सुना। अपने घरों में तोरण बांधो आज, कल सुबह आश्रम में और रास्ते में नीम के पत्ते और आसोपाल के तोरण लग जाए, वहां से गाय भैंस बकरी गांव के गुजरे और लोग भी वहां से गुजरते थे और निरोग होने की भावना मिलती थी उनको। वो है जाए बेजा चेपी रोग बेपी रोग भी नहीं और जरा जरा बात में बीमारी भी नहीं होती, तो आसोपाल का भी कुछ महत्व होगा। तो कल आसोपाल के तोरण लग जाए और नीम के पत्ते भी कहीं कहीं उसके साथ डालियां लग जाए, कर देना। सुबह बताया था कि भगवान की मूर्ति का दर्शन आज के दिन जरूर करना चाहिए। भगवत मूर्ति सच्चा हीरा सोना गाय का दर्शन घी का दर्शन ये सब शुभ माना जाता है। गाय घी दूध दही का दर्शन, जल से भरा हुआ कुंभ गोझरण, मैं तो गोझरण से आज रगड़ के नहाया, शास्त्र आदि का दर्शन, फल से भरी हुई टोकरी का दर्शन, दीपक का चंदन का आदि दर्शन शुभ माना गया है। अगर साक्षात भगवान को पाए हुए महापुरुष का दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। नारायण हरि नारायण हरि। महाभारत में लिखा है टूटे फूटे बर्तन में कलजुग का कलह का वास होता है। मुर्गा कुत्ता जिस घर में रहता है वहाँ देवत्व तो चला जाता है और जरा जरा बात में वो लोग खिन्न होते हैं, अशांत होते हैं और उनकी बुद्धि मारी जाती है। जो कुत्ते के संगी हैं उनके बुद्धि के निर्णय गलत होने लगते हैं। अशुभ को शुभ मानेंगे, बुरे को अच्छा मानेंगे, अच्छे को बुरा मानेंगे। वे लोग ऐसा सोचेंगे कि ये धार्मिक लोग बेचारे टाइम खराब कर रहे हैं और बाबा लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। तू कुत्ते का मुंह चाट के अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, अपने सात पीढ़ी बर्बाद कर रहा है, मूर्ख तुझे पता नहीं? तो कुत्ते पालू लोग सत्संगियों की मश्करी उड़ाते, लेकिन सत्संगी उनकी मश्करी नहीं उड़ाते, उन पर तरस खाते, तामसी बुद्धि। अशुभ को शुभ माने, शुभ को अशुभ माने। साधु संत सच्चाई और धर्म से वैर लेंगे, तामसी बुद्धि वाले, तो उनकी दुर्गति ना हो, इसीलिए ऐसे शुभ अवसर आते हैं दिवाली आदि का कि राग द्वेष को भूल कर अपना फिर नया जीवन शुरू करें। क्योंकि जीवात्मा का असली स्वरूप तो परमात्मा का अंश है, बेचारे का मंगल हो, कल्याण हो, तो कल्याणकारी वृत्ति उत्सव है। सव माना यज्ञ, ऊंचा यज्ञ, जिसमें शोक नहीं, दुख नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, चित्त शांत और मधुमय भगवान से भरा हो, पुण्य दर्शन से, पुण्य भाव से, पुण्यमय सुख से चित्त भरा हो, ये हो दिवाली का उत्सव है। सौ माना यज्ञ ऊंचा यज्ञ है। अंतःकरण की प्रसन्नता, अंतःकरण की विश्रांति, भाव की ऊंचाई, कर्म की ऊंचाई, शांति। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है ना, मधुरता आ रही है, शांति मिल रही है, मेरा चित्त एहसास कर रहा है। भले आज व्यस्त दिन है, कहीं मिलने जाना है, फिर भी उठने का मन नहीं होता होगा,
ये विश्रांति योग है। घर जैसी दुकान जैसी यहां सुविधा नहीं बैठना, फिर भी सारी सुविधाओं के बिना भी आप सुखी रह सकते, आपका सुख स्वभाव की ये खबर है, आपके स्वतंत्र जीवन का ये संदेश है। परिस्थितियों से सुखी होना, ये तो साधारण तुच्छ मकोड़े जीव जंतु भी भटकते रहते हैं। मकोड़े इधर से उधर, उधर से उधर सुखी होने के लिए तो भागते रहते ना, कीड़ियां मकोड़े जीव जंतु। लेकिन धन भागी हुए जो अपने आप में विश्रांति पाते। अंतरात्मा ही हरि का द्वार है, वही हरिद्वार है, वही काशी है, वही मथुरा है, वही वैकुंठ है। अनंत ब्रह्मांड जिस परमेश्वर में, वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा होके बैठा है। ये करूं, वैसा करूं, ऐसा वहम हो गया कि जैसे संसार का काम करने से कुछ होता है, ऐसे ही भगवान को भी पाने के लिए कुछ करना है। वो करने की राग मिटाने के लिए कुछ न कुछ करने की विधि बताई जाती। करने से जो मिलेगा उसकी सीमा होगी। भगवत कृपा से, भगवत जन महापुरुषों की कृपा से जो मिलता है, दिव्य मति मिलती है भगवान में विश्रांति पाने वाली। ओम ओम शांति, ओम ओम आनंद। जिन आश्रमों में जाते हैं, फिर मैं कभी कभी जहां जाता हूं पूछता हूं कि इधर कोई लोग आते, बोले कोई कई लोग आते हैं, जो पान मसाला खाते निगरे लोग आते, वो भी बापू इधर आते ने, तो उनको वो बोलते हैं अच्छा लगता है। उसका साथी बोलता है चलो, बोले नहीं पची जवाए चल, फिर जाते हैं बैठो। तो जहां जहां आपकी कुटिया है, जहां जहां आपके आश्रम है, जहाँ आप कभी थोड़ा गए रहे हैं, उस जगह पे जाने वालों को ऐसा होता है कि बैठे रहे अच्छा लगता है। ये भगवान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो भगवान में विश्रांति पाए उनके व्यव से, ये भगवान की एक विशेष कृपा है जो हमें अपने तरफ खींचते, संत दर्शन को बिठा देते, संत दर्शन से आनंद दिलाते, संतवाणी सुनने की प्रेरणा देते मधुर। ये भगवान की विशेष कृपा है। जिनको देता है उन्हीं को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने वो लुटाता है। वफाई के दो तरीके, आजमा के देख ले, या बन जा उसका, या तो उसे अपना बना के देख ले। ये विश्रांति योग है। और भगवत ध्यान और जप से भी आदमी निरोग होता है। इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खाऊं ये करूं ये परहेज करूं, अरे भगवत रस में रहो, भगवत आनंद में रहो, निरोगता अपने आप आती है।